इसमें नाइन्थ क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, मतलब पहले इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए मैंने कर दिया सम, इनको ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है। आप देखिए जीरो वाला कैसे सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे बोरो किया तो ये लास्ट का जीरो हो जाता है 10, बीच के दोनों जीरो बन जाते हैं बेटा 9, इसने एक दे दिया तो ये बन गया है 6। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 7, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 में से 5 तो 4, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल बुक्स हैं इतनी, बुक ऑफ मैथ इतनी, बुक्स ऑफ साइंस इतना, तो अनदर बुक्स पूछी हैं, पहले इन दोनों बुक को ऐड करेंगे और फिर टोटल बुक में से माइनस कर देंगे, तो इतनी बुक्स आई अनदर सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। पहले हमको सम करना है किसका, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, किसी भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो उतनी बार 9 लिख लेते हैं, 3 बार 9 लिख लेंगे। फिर है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स है, सॉरी 2 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए बेटा 1 के आगे 0 लगा लेते हैं, तो 1 2 डिजिट्स है तो एक बार 0, इन दोनों का सम निकालना है, ऐड कर लो, ये आ गया सम, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 4 बार 9 लिखिए, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए 9001, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये 998, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ योर 11th क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग ऑन योर 12th क्वेश्चन, राम हैज़ ₹675, गीता हैज़ दिस 137 मोर, गीता के पास 137 इससे ज़्यादा है, एंड पिंकी हैज़ ₹182 मोर देन गीता, गीता के पिंकी के पास गीता से भी 182 ज़्यादा है, तो हाउ मच रुपीस हैव गीता, गीता के पास कितने रुपए हैं। इसने कहा राम हैज, राम के पास है 675, गीता हैज, गीता के पास कहा है कि 132 मोर, गीता के पास 137 मोर है, तो 137 इसमें प्लस हो जाएंगे, बस इतने हैं इसमें, आगे इसमें पिंकी के रुपीस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नॉट फिनिश्ड।